दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में स्पार्क इग्निशन सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको स्पार्क इग्निशन सिस्टम के क्वेश्चन के आंसर पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड वीडियो देखने के इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर वन, इंजन के सभी सिलेंडरों में मिस फायरिंग होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है एलटी सर्किट के तार डीले होना, बी ऑप्शन सीबी पॉइंट गैप अधिक होना, सी कंडेंसर खराब होना और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो ए ऑप्शन है एलटी सर्किट के तार डीले होना और बी ऑप्शन है सीबी पॉइंट गैप अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट पॉइंट इग्निशन सिस्टम में ईसीयू लगाया जाता है। ए ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर में, वी सेंसर व इग्निशन कॉइल के बीच, सी ऑप्शन है बैटरी कॉइल के बीच और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी सेंसर व इग्निशन कॉइल के बीच। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में बैटरी का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है लाइट व हॉर्न के लिए, बी ऑप्शन है प्राइमरी करंट के लिए, सी एचटी करंट के लिए और डी ऑप्शन है सेकेंडरी करंट के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी प्राइमरी करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन कॉइल के सेकेंडरी सर्किट में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए 6000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 9000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 10000 वोल्ट और डी ऑप्शन है 20000 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है डी 20000 वोल्ट। इग्निशन कॉइल के सेकेंडरी सर्किट में 20000 वोल्टेज उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सीबी पॉइंट का गैप कितना रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0.25 से 0.30 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm से 0.85 mm, ऑप्शन नंबर सी 1.5 mm से 2.0 mm और डी ऑप्शन है 0.35 mm से 0.85 mm। तो इसका राइट आंसर है डी 0.35 mm से 0.85 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबस्टन चैम्बर में ज्वलनशील पेट्रोल हवा मिश्रण को कौन सा पार्ट जलाता है? क ऑप्शन है स्पार्क प्लग, ख एच टी लीड, ग सी बी पॉइंट और ग ऑप्शन है कंडेंसर। तो इसका राइट आंसर है क स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कम्बशन चैम्बर में ज्वलनशील पेट्रोल हवा मिश्रण को जलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में इंसुलेशन पदार्थ कौन सा होता है? क ऑप्शन है प्लास्टिक, ख फाइबर, ग पोर्सिलीन और घ कठोर कार्बन। तो इसका राइट आंसर है ग पोर्सिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क पैदा होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए? को ऑप्शन है 5 से 10 हज़ार, ख 10 से 15 हज़ार, ग 15 से 20 हज़ार और घ ऑप्शन है 20 से 30 हज़ार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घ 20 से 30 हज़ार वोल्टेज। स्पार्क पैदा होने के लिए 20 से 30 हज़ार वोल्टेज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स में कितना गैप रखते हैं? क ऑप्शन है 0.2 mm, ख 0.40 mm, ग 0.30 mm, ग ऑप्शन है 0.45 mm। तो इसका राइट आंसर है ग 0.30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की पतली सेकेंडरी तार के लगभग कितने चक्कर सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटे होते हैं? को ऑप्शन है 1000 चक्कर,
ख 1500 चक्कर, ग 1800 चक्कर और ग ऑप्शन है 2200 चक्कर। तो इसका राइट आंसर है ग 2200 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं है? क रोटर, ख कैपेसिटर, ग आयरन कोर, ग सीबी पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ग आयरन कोर। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग के पॉइंट्स का एयर गैप किससे चेक करते हैं? क फुट रूल, ख रेडियस गेज, ग डेप्थ गेज और ग ऑप्शन है फिलर गेज। तो स्पार्क प्लग के पॉइंट का एयर गैप फिलर गेज से चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ग फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में स्पार्क तब पैदा होता है जब? क ऑप्शन है सीबी पॉइंट बंद होते हैं, ख पॉइंट्स खुलते हैं, ग इनलेट वाल्व खुला हो और ग ऑप्शन है वाल्व बंद हो। तो दोस्तों, स्पार्क प्लग में स्पार्क तब पैदा होता है जब पॉइंट्स खुलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ख पॉइंट्स खुलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में एयर गैप निम्न में से किन के मध्य करते हैं? क ऑप्शन है टर्मिनल व मध्य इलेक्ट्रोड, ख पोर्सिलिन व ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ग ऑप्शन है पोर्सिलिन व मध्य इलेक्ट्रोड और ग ऑप्शन है मध्य व ग्राउंड इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग में एयर गैप मध्य व ग्राउंड इलेक्ट्रोड के मध्य करते हैं। तो इसका आंसर है ग मध्य व ग्राउंड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी पॉइंट्स किस धातु के बनाए होते हैं? क ऑप्शन है निकिल, ख क्रोम, ग प्लैटिनम, ग इनमें से कोई नहीं और ड ऑप्शन है टंगस्टन। तो दोस्तों, सीबी पॉइंट टंगस्टन धातु के बनाए होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ड टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन टाइमिंग रिटायर्ड होने से इंजन पर क्या प्रभाव होता है? क इंजन स्मूथ चलता है, ख झटके देता है, ग अधिक गर्म होता है, ग ठंडा होता है। तो इसका राइट आंसर है ग अधिक गर्म होता है। दोस्तों, अगर इग्निशन टाइमिंग रिटायर्ड है तो इंजन अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W90T2 प्लग लगे पेट्रोल इंजन में निम्न में से किस प्लग को लगाकर पुनः ज्वलन बंद किया जाता है? ए ऑप्शन है W175T2, वी W175T1, सी ऑप्शन है W45T2, डी ऑप्शन है W45T1। इसका राइट आंसर है बी W175T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग ए का नाम पहचानिए। तो दोस्तों, ये डायग्राम है, तो डायग्राम में ए भाग को आइडेंटिफाई करना है। तो ए ऑप्शन है इग्निशन कॉइल, बी कंडेंसर, सी स्पार्क प्लग और डी कैम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी कंडेंसर। तो ए जो है वो कंडेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक इग्निशन प्रणाली का नहीं है? क ऑप्शन है इग्निशन स्विच, ख अल्टरनेटर, ग इग्निशन कॉइल और ग ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग को मोटी तार के लगभग कितने चक्कर लपेटे होते हैं? क ऑप्शन है 80 चक्कर, ख 200 चक्कर, ग ऑप्शन है 100 चक्कर, ग ऑप्शन है 500 चक्कर। तो इसका राइट आंसर है ख 200 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी पॉइंट का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है सर्किट तोड़ना, बी सर्किट को भू संपर्कित करना, सी सर्किट जोड़ना, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो दोस्तों, सीबी पॉइंट का कार्य सर्किट तोड़ना और सर्किट जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर है डी ए और सी दोनों।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।